हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम JIPMER का 2012 का है जो फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर है आपके लिए। यहाँ पर तो यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन आए थे 2012 के पेपर में, और जिनका भी 2020 में JIPMER के लिए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए पेपर होने वाला है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि JIPMER ने जो 2012 से लेके 2019 तक जो भी पेपर करवाए हैं, मैं आपको सभी पेपर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि जिनका भी फरवरी में आई थिंक एग्ज़ाम है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, उनको ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे जिनके अदर नर्सिंग की पोस्ट पर एग्ज़ाम है, चाहे वो PGIMER के लिए हो, CHO के लिए हो, या फिर कम्बाइंड एम्स का जो एग्ज़ाम होना है। सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर है जो हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि जो टोटल 100 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। और जिनको भी इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज, तो पहला फीटल मूवमेंट है जो मदर को 20 वीक्स में फील होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्विकनिंग। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज डी, क्विकनिंग। इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से और जो 3-4 साल से और पेपर आ रहे हैं नर्सिंग के लिए जो JIPMER कंडक्ट करवाता है, क्वेश्चन पेपर मीडियम कैटेगरी का है, ना ही ज़्यादा हाई फाई लेवल का पेपर है। बट आई होप कि इस बार भी ईजी पेपर आए जिनका भी पेपर होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन अ न्यूबॉर्न इन्फेंट इज, तो वाइटल साइन चेक करने के लिए क्या सीक्वेंस यूज़ किया जाता है जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होते हैं, तो उनके लिए जो वाइटल साइन चेक करने के लिए सीक्वेंस यूज होता है वो होता है TPR, टेम्परेचर पल्स एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज द मिनरल एलिमेंट विच इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन इज, तो कौन सा मिनरल एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत पड़ती है थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए बनने के लिए, तो वो है आयोडीन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी, आयोडीन। नेक्स्ट है न्यूनेटल रिफ्लेक्स इलेक्टेड बाय टचिंग द चीक्स ऑफ द बेबी इज, तो न्यूनेटल रिफ्लेक्स का कौन सा रिफ्लेक्स है जिसमें जैसे ही हम बेबी के चीक्स टच करते हैं तो उसमें इलेक्टेशन देखने को मिलता है, तो वो है सकलिंग रिफ्लेक्स। हियर इज द आंसर इज सकलिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज, तो मॉडर्न पब्लिक हेल्थ के फाउंडर कौन है, तो वह लुईस पाश्चर। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज द पेलेग्रा, किस विटामिन की कमी के कारण है जो पेलेग्रा डिसीज होती है, 3D सिम्टम्स भी इसमें शो होते हैं, तो कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है, तो होते हैं नियासिन की कमी के कारण। नेक्स्ट इज अनदर टर्म यूज फॉर सुपर ईगो इज, तो कौन सा दूसरा टर्म यूज होता है सुपर ईगो के लिए, तो वह है कॉन्साइंस। करेक्ट आंसर इज ए कॉन्साइंस। नेक्स्ट इज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्या है, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। नेक्स्ट इज मेकिंग अप स्टोरीज टू फिल इन द गैप ऑफ मेमोरी इज, किसी भी टाइप की स्टोरी बनाना दिमाग में जो गैप रहेगा मेमोरी के बीच में उसको फिल करने के लिए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है कॉन्फेबुलेशन। नेक्स्ट इज हेमिप्लेजिया इज इन्वॉल्व, तो हेमिप्लेजिया में बॉडी के कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, जो हाफ बॉडी है उसमें पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज डाइसल्फ्राम इज ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो डाइसल्फ्राम ड्रग का ट्रीट यूज है जो कि इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए होता है, तो ये होता है एल्कोहलिज्म को ठीक करने के लिए। फिर इज द आंसर इज डी, एल्कोहलिज्म। कभी कभी एग्ज़ाम में भी आता है कि एल्कोहलिज्म के लिए जो एज ए डिट्रेंट थेरेपी एक मेडिसिन यूज़ की जाती है उसका नाम क्या है, तो डाइसल्फ्राम। और एक कोर्साकोफ सिंड्रोम भी आता है एल्कोहलिज्म में ही, वो एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, उसको भी अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस इन अ न्यूबॉर्न इज, तो एक न्यूबॉर्न का नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस कितना होता है, तो ये होता है 33 to 35 centimeters, 33 to 35 centimeters है जो एक न्यूबॉर्न का है जो नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन IM इंजेक्शन, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में जो मैक्सिमम वॉल्यूम है कितनी यूज की जा सकती है, तो ये होती है 6 ml। नेक्स्ट इज रिफाम्पसिन इज यूज फॉर द प्रोफाइल एक्सेस ऑफ, रिफाम्पसिन जो मेडिसिन है फर्स्ट लाइन है ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस की,
तो ये और दूसरी किस डिसीज के प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो ये जनरली यूज की जाती है लेप्रोसी में, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी लेप्रोसी। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक स्टडी टू असिस्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन इज, कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन को चेक करने के लिए, तो वो होगा ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट इज वर्मापिल इज, तो वर्मापिल है जो किस टाइप की मेडिसिन है, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट इज एसिड बेस इम्बेलेंस दैट डेवलप्स इन एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस देखने को मिलता है, तो वो मिलता है जनरली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है, रीनल फेलियर पेशेंट हैव एन अल्टर्ड एसिड बेस बैलेंस, मोस्ट कॉमनली अ मिक्स्ड टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पे गाइस करेक्ट आंसर होगा बी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नॉट अ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट इज क्ले कलर्ड स्टूल इज सजेस्टिव ऑफ द, तो क्ले कलर्ड स्टूल है जो किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये मिलता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में। नेक्स्ट इज सर्जरी डन फॉर मायस्थेनिया ग्रेविस इज, तो मायस्थेनिया ग्रेविस को ठीक करने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है, तो होती है थायमेक्टोमी। थायमेक्टोमी क्या है, दिस इज ऑपरेशन टू रिमूव द थायमस ग्लैंड। इसमें मायस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या होता है, जो थायमस ग्लैंड है उसी में एबनॉर्मल फंक्शनिंग देखने को मिलती है जब थायमेक्टोमी कर जाए, रिमूव किया जाए उस थायमस ग्लैंड को, जिससे है जो सिम्टम्स हैं उनको कम किया जा सकता है। कभी कभी जो लोग हैं थायमेक्टोमी के कारण क्योर भी हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो फिर से रीबैलेंस हो जाते हैं, इसीलिए थायमस ग्लैंड के रिमूव करने को थायमेक्टोमी कहा जाता है। मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में यही सर्जरी परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द साइक्लोस्पोरिन इन अ पेशेंट अंडरगोन रीनल ट्रांसप्लांटेशन, तो साइक्लोस्पोरिन का क्या इफेक्ट होगा जब कोई पेशेंट रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहा हो, तो उसके लिए एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट काम करेगी। साइक्लोस्पोरिन क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। नेक्स्ट इज नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो नॉर्मल GFR कितनी होती है, तो ये 120 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट है जो नॉर्मल GFR रेट है। नेक्स्ट इज पेरेंट्रल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली टू प्रिवेंट, तो जो पेरेंट्रल प्रिपरेशन है पोटेशियम की उसको स्लोली क्यों दिया जाता है, ताकि किस चीज़ से प्रिवेंट किया जा सके उस पेशेंट को, तो उसके लिए कार्डियक अरेस्ट से प्रिवेंट करने के लिए जो पोटेशियम है उसको IV रूट के थ्रू है जो स्लोली देते हैं। नेक्स्ट इज कॉजिटिव एजेंट ऑफ मम्स इज, तो कॉजिटिव एजेंट क्या है मम्स का, वह पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट इज डोज ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज, तो यहाँ पर एस्पिरिन का जो नॉर्मल डोज पूछा है वो कितना होता है, 10 mg पर kg पर डे। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फॉर वुमेन हुज LMP वाज 15th अगस्त इज, तो एक्सपेक्टेड EDD क्या हो गई, जिस वुमेन का LMP कितना है 15 अगस्त, तो उसकी जो EDD कैलकुलेट करेंगे हम तो आएगी 22 मई। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटिक फीवर इज, तो ड्रग ऑफ चॉइस है यहाँ पर, कौन सी ड्रग चूज की जाएगी रूमेटिक फीवर को ठीक करने के लिए, तो वो होती है पेनिसिलिन। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप इन अ पेशेंट ऑन बेड रेस्ट इज टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फूड ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी रहेगी, तो वो होगी सैंड बैग। नेक्स्ट इज फ्लोरेंस नाइटेंगल वॉज बॉर्न इन, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म है जो कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। नेक्स्ट इज नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो नॉर्मल pH क्या है ह्यूमन ब्लड का, तो वह 7.35 to 7.45 है जो नॉर्मल pH है ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज, तो एडोलेसेंस में कौन सा डेवलपमेंट टास्क होता है, तो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट इज रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन 1 पर्सन CPR इज, तो रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन कितना होता है 1 पर्सन के CPR के लिए, तो होता है 100 to 120 पर मिनट। नेक्स्ट इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो कार्पल टनल सिंड्रोम है जो इसके कारण होता है जब मीडियन नर्व पे किसी भी टाइप का प्रेशर हो, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सी।
नेक्स्ट इज पोजिशन इन विच द पेशेंट इज टू बी केयर्ड आफ्टर लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन इज, तो कौन सी पोजिशन प्रोवाइड कराएंगे जिस पेशेंट का लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन हुआ है, तो उसके लिए हम साइड लाइंग विथ एम्पुटेटेड साइड अप, उसको साइड लाइंग पोजिशन प्रोवाइड करा के जो भी पार्ट में एम्पुटेशन हुआ है उसको साइड अप कर देंगे। नेक्स्ट इज स्पीच सेंटर इज लोकेटेड, तो स्पीच सेंटर कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो होता है ब्रोकास्ट एरिया में, ब्रेन के ब्रोकास्ट एरिया में। नेक्स्ट इज क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल टेक्स प्लेस बाय द एज ऑफ, तो एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होते हैं बेबीज में, तो ये होते हैं विद इन अ वन ईयर। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ करेंट यूज इन ECT, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में कितने अमाउंट का करेंट यूज किया जाता है, तो होता है 7 to 130 volt। नेक्स्ट इज सर्जिकल फ्यूजन ऑफ अ ज्वाइंट इज नोन एज, तो सर्जिकल फ्यूजन ऑफ ज्वाइंट क्या कहलाते हैं, कहलाते ऑर्थोडेसिस। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम हाइट एट विच द एनिमा शुड बी हेल्ड वाइल गिविंग इट इज, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है एनिमा देने के लिए, तो होती है 45 centimeters। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ मिल्क, कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है जो मिल्क सीक्रेशन के लिए हेल्पफुल होता है, तो वो प्रोलैक्टिन, इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक, स्टमक में पेप्टिक अल्सर होने के लिए मोस्ट कॉमन साइट है जो कौन सी है, तो वो पाइलोरिक पोर्शन। नेक्स्ट इज अल्मा अटा डिक्लेरेशन वॉज मेड इन, तो अल्मा अटा डिक्लेरेशन कब बनाया गया था, तो यह आया था 1978 में। नेक्स्ट इज गॉन्स फोकाई इज सीन इन, तो गॉन्स फोकाई है जो ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। एक चीज और बता दूंगा, जो भी लोग JIPMER का पेपर देने वाले हैं और उसके अलावा जो अदर एग्जाम का आप लोग पेपर देने वाले में, उसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही ये 2012 का पेपर है, इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 का पेपर भी आपको ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। और इसके बीच में जो भी पेपर हुए हैं 2012 से लेकर 2018 तक और 2019 में, वो सभी पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी इसी वीक में, ताकि आपकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, मीन ऑफ पैलिएटिव केयर, तो पैलिएटिव केयर किसके लिए दी जाती है, कैंसर पेशेंट के लिए। तो इसका मेन मतलब क्या होता है पैलिएटिव केयर का, पेन एंड सिम्टम रिलीफ केयर। नेक्स्ट इज इन्वर्टोग्राम इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज इन, तो इन्वर्टोग्राम का यूज है जो किस एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज किया जाता है, तो एनोरेक्टल एनामलीज का पता करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मच विल वी ड्रॉप रेट पर मिनट इफ 500 ml ऑफ फ्लूड इज टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर 24 hours बाय ऑर्डिनरी ड्रिप सेट विथ ड्रॉप फैक्टर 15 drops per ml। तो यहाँ पर आपको ड्रग कैलकुलेट करना है इसकी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर मैंने छोड़ा हुआ, मुझे पता है, बट मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकियोलाइटिस इज कॉमनली सीन इन विच एज ग्रुप, तो ब्रोंकियोलाइटिस की कंडीशन है जो किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये लेस देन 2 year old रहते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है क्या, ब्रोंकियोलाइटिस। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड, तो रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन में कहाँ पर होता है, तो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व रिजल्ट्स इन, तो वेगस नर्व में स्टिमुलेशन होगा तो कौन सी प्रोसेस देखने को मिलेगी बॉडी में, तो हार्ट रेट है वो कम होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन द हार्ट रेट। नेक्स्ट इज फॉर गिविंग CPR आफ्टर एस्ट्रेटेनिंग अनरेस्पॉन्सिवनेस वन शुड, तो आप CPR दे रहे हैं किसी को बट उसको किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको, तो आप क्या करेंगे, कॉल फॉर द हेल्प, किसी की हेल्प के लिए बुलाएंगे। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज टू, द पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या पर्पस होता है, तो जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है बॉडी से, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रिमूव द टॉक्सिन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज, तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसके थ्रू मेजर की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है, तो mg per liter के थ्रू मेजर की जाती है। नेक्स्ट इज एन इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स इज, तो इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट क्या है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का, तो वो टार्डिव डिस्काइनेसिया में क्या होता है, इसमें जो इनवॉलेंट्री तरीके के टंग में लोअर फेस जॉ एक्सट्रीमिटीज में है, जो अलग तरीके के आपको
ये भी कह सकते हैं हम एक्सट्रीमिटीज में मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली ये कंडीशन जीभ जीभ में टंग में देखने को मिलेगी आपको। लोअर फेस का एरिया है, आपके जॉ हैं, तो उन्हीं में सबसे ज़्यादा ये कंडीशन देखने को मिलती है। इन्वॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलेंगे आपको, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, टाइड डिस्काइनेसिया। और ये जब देखने को मिलती है, जब आप लॉन्ग टर्म यूज़ बहुत लंबे समय से एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन ले रहे हो, तो उसी का एक एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53, अमाउंट ऑफ ब्लड यूज्ड फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन यूनिट इज, तो कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड की अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी किसी यूनिट के लिए ट्रांसफ्यूजन करना है, तो होगा 100 ml पर kg बॉडी वेट। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर पर लीटर इज, तो ऑप्टिमम लेवल कितना होता है फ्लोराइड का ड्रिंकिंग वाटर में, तो ये होता है 0.7 to 1.2 mg पर लीटर। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट इज द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज, तो बैकबोन क्या है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की, तो ये होम विजिट। नेक्स्ट इज थ्री टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल इज, तो ब्लॉक लेवल पर तहसील लेवल पर थ्री टायर सिस्टम होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो वो क्या कहलाते, वो कहलाते हैं पंचायत समिति। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ 2 month old बेबी, 2 महीने के बेबी के लिए बेस्ट मेथड क्या होगी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो होगा ऑक्सीहुड। नेक्स्ट इज विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सीटोकोफेरॉल। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड्स केस इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड इन द ईयर ऑफ, तो इंडिया का में पहला एड्स का केस है जो कब देखने को मिला था, तो ये मिला था 1987 में, डॉक्टर सुनीति सोलोमन एंड हर स्टूडेंट डॉक्टर सैलप्पन्ना निर्मला, ये फर्स्ट केस है जो फीमेल सेक्स वर्कर के थ्रू हुआ था चेन्नई में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू कुसिंग ट्रायड, तो कुसिंग ट्रायड में है जो कौन से फीचर देखने को नहीं मिलते, तो वो हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट इज वीपी सेंट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर, तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट का यूज किस डिसीज को ठीक करने में किया जाता है, सर्जिकल तरीके से मैनेज करने के लिए किया जाता है, तो वह हाइड्रोसेफेलस। करेक्ट आंसर इज बी हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर अ पेशेंट इन लेबर इन पिटोसन एगुमेंटेशन इज, पिटोसन एगुमेंटेशन में मोस्टली क्या ऑब्जर्व करेंगे हम पेशेंट में, तो हम उसकी मॉनिटर और रिकॉर्ड करेंगे लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उनको मॉनिटर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड, तो ब्लड वेसल्स रहती हैं जो ब्रेन में, उसके ट्यूमर्स को क्या कहा जाता है, तो ये कंडीशन कहलाती है ग्लियोमा। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ ओवुलेशन कोरिस्पॉन्ड्स टू, तो ओवुलेशन की प्रोसेस का जो टाइम होता है किसके थ्रू होता है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, यहाँ पे आंसर क्या होगा ए प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई। नेक्स्ट इज सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो सडनली टेम्परेचर का डाउन हो जाना वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्राइसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन इनमें से कौन सा है, तो वो 0.9% NS नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट इज मैकवेन साइन इज द इंडिकेशन ऑफ द, तो मैकवेन साइन है जो किस में देखने को मिलता है, मिलता है हाइड्रोसेफेलस में, तो मैकवेन साइन है क्या, अ साइन टू डिटेक्ट हाइड्रोसेफेलस एंड ब्रेन एब्सिस, ये हाइड्रोसेफेलस और ब्रेन एब्सिस की कंडीशन में देखने को मिलता है साइन। परकसन करते हैं जब, टैपिंग करते हैं स्कल के लिए, तो वहाँ पर एक अजीब तरीके की आपको आवाज़ आएगी, तो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है मैकवेन साइन। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्पीच इन विच वन रिपीट्स व्हाट अदर हैव जस्ट सेड इट, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कोई कुछ कर रहा है उसको हम तुरंत रिपीट करें, ये कंडीशन कहलाती है इको ले लिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, इनमें से कौन सी है जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, तो वो है मैनिटॉल। नेक्स्ट इज व्हाट डज पी वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट, तो जो ईसीजी में पी वेव्स होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये करती है आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूड इज जॉइंट्स रिड्यूसेस, तो साइनोवियल फ्लूड का प्रेजेंट होना जॉइंट्स में किसको कम करता है, तो ये करता है फ्रिक्शन इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में फ्रिक्शन है उसको कम करता है। नेक्स्ट डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज, तो बीसीजी वैक्सीनेशन का डोज कितना होना चाहिए, मैन तो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 0.1 ml ID इंट्राडर्मल।
Next is the ear bones that transmit the vibration to cochlea are situated in. तो जो ear bone में जो vibration सुनाई देते हैं cochlea के थ्रू, तो cochlea कहाँ पर present होता है, तो होता है inner ear में. Next is positive hormone sign is indicated of. तो जब hormone sign positive आए तो ये किसकी तरफ इशारा करता है, ये करता है deep vein thrombosis की तरफ, DVT की तरफ. नेक्स्ट इज कैटरेक्ट इज, तो कैटरेक्ट किस टाइप की डिसीज है, जब लेंस में ऑपेसिटी देखने को मिले, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑपेसिटी ऑफ द लेंस. नेक्स्ट इज लोकल हॉट एप्लीकेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी बाय, तो ये किस तरीके की प्रोसेस में होता है, होता है कंडक्शन में. नेक्स्ट इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूसेस, तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा बॉडी में, तो किस कंडीशन को क्रिएट कर सकता है, तो ये करता है ग्रेव्स डिसीज को. नेक्स्ट इज एंजाइटी एक्सप्रेस थ्रू फिजिकल सिम्टम इज, तो एंजाइटी जब फिजिकल सिम्टम के थ्रू एक्सप्रेस की जाए, तो ये किस टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म में आएगा, तो आएगा कन्वर्जन में. नेक्स्ट इज स्टेशन प्लस वन ड्यूरिंग लेबर इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंटिंग पार्ट इज, जब स्टेशन फर्स्ट हो प्लस वन हो ड्यूरिंग लेबर के टाइम पर, तब प्रेजेंटिंग पार्ट किस टाइप में होगा, स्लाइटली बिलो द इस्चियल स्पाइन. नेक्स्ट इज द सेफेस्ट पोजिशन फॉर अ वूमेन विथ कॉर्ड प्रोलैप्स इन लेबर इज, तो लेबर रूम में किसी वूमेन की कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, तो उसको सेफ पोजिशन क्या होगी, तो होगी ट्रेंड लैंडवर्क पोजिशन. नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने परसेंट वाटर है, तो 60%. नेक्स्ट इज द मेन एक्शन ऑफ रेनिटिडिन इन ट्रीटिंग पेप्टिक अल्सर इज, तो रेनिटिडिन का मेन एक्शन क्या होगा पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, तो वो इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन. नेक्स्ट इज हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट यू हैव गिव, तो 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरी मिलेगी, 1 ग्राम फैट इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरी, तो ये मिलती है 9 किलो कैलोरी. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स इज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स का, तो वो है पोटेशियम. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर अ पेशेंट ऑन एंटीकॉगुलेंट थेरेपी इंक्लूड्स, मोस्टली किस सिम्टम को ऑब्जर्व करेंगे एज अ नर्स, आप यदि किसी पेशेंट को एंटीकॉगुलेंट थेरेपी दे रहे हैं, तो उसको एपिस्टेक्सिस की कंडीशन के लिए चेक करते रहेंगे बार बार. नेक्स्ट इज इन्फेक्शन विथ ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कैन लीड टू, तो बीटा ए स्ट्रेप हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के थ्रू कौन सी डिसीज होती है, तो होता है रूमेटिक फीवर. नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो एंटीबॉडीज किसके थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, तो ये होती हैं लिम्फोसाइट्स के थ्रू. नेक्स्ट इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी सेंटर किसके थ्रू स्टिमुलेट होता है, तो होता है CO2 के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू. नेक्स्ट इज पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजिशन, एक पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया की कंडीशन से रिकवर कर रहा है, तो उसकी कौन सी पोजिशन प्रोवाइड कराएंगे, उसको हम साइड लाइन पोजिशन है जो प्रोवाइड कराएंगे. नेक्स्ट इज सर्जरी इन्वॉल्व रीनल पेल्विस, तो रीनल पेल्विस के लिए कौन सी सर्जरी प्रेफर की जाएगी, तो होगी पायलोप्लास्टी. नेक्स्ट इज पेन इन अपेंडिसाइटिस इज एक्सपीरियंस, तो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में जो पेन किस तरफ देखने को मिलेगा, तो मिलता है मैकबर्नीज पॉइंट में. नेक्स्ट इज यूज ऑफ कार्बामाजेपाइन इन साइकेट्रिक इज एज अ, तो कार्बामाजेपाइन मेडिसिन जो साइकेट्रिक डिसीज को ट्रीट करने के लिए होते हैं, तो कार्बामाजेपाइन है क्या, तो ये क्या है एंटी कन्वल्जन मेडिकेशन. नेक्स्ट इज लंबर सिंपैथेटोमी रिलीफ, तो लंबर सिंपैथेटोमी किससे रिलीव करती है, सिम्टम को रिलीव करती है, जो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होते हैं उनको कम करने में हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर्स शुड बी अवॉइडेड इन अ पेशेंट विथ इंक्रीज्ड इन क्रैनियल प्रेशर, यदि किसी पेशेंट का क्रैनियल प्रेशर पहले से बढ़ा है, तो एज अ नर्स आप किस चीज़ को अवॉइड करेंगे, तो आप ओरल फीडिंग के लिए अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट इज पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना म्यूकोसा इज प्रेगनेंसी इज, पर्पल कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है वेजाइना म्यूकोसा में, ये कंडीशन क्या कहलाती है, कहलाती है चैडविक साइन. नेक्स्ट इज जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज वाज प्रपोज्ड बाय, तो जर्म थ्योरी किसके थ्रू दी गई थी, तो ये गई थी लुईस पाश्चर के थ्रू. नेक्स्ट है ल्यूगोल सॉल्यूशन कंटेंट्स, तो ल्यूगोल सॉल्यूशन में और क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड है जो प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इस, तो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है बॉडी में, होता है 3.5 to 5 mEq per liter.
Next is the amount of bleaching powder for disinfection of 1000 gallons of water is 1000 gallons पानी के लिए कितने ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत पड़ेगी एज अ डिसइंफेक्टेंट तो होगी 10 ग्राम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन द प्रोलॉन्ग्ड यूज फॉर केसरी दाल के लीड टू तो केसरी दाल को लंबे समय तक खाने से कौन सी डिजीज हो सकती है तो हो सकती है लेथेरिज्म तो गाइस ये था 2012 का JIPMER का सॉल्व क्वेश्चन पेपर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग अस बाय बाय